को आपका स्वागत है नई वीडियो में। आई होप आप सब सेफ एंड हेल्दी होंगे। तो भाई अभी बज चुके हैं 8 और 8 बजे आज तो थोड़ा सा लेट हो गया। आज योगा भी शाम को करूँगी क्योंकि अब योगा नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी लेट होगी। और बाहर मटका रखा था वो भी अंदर रख दिया और बाहर ये कपड़े भी सूख रहे हैं। बस ये कपड़े सूख गए हैं, इनको भी पूरी रात भर ये अंदर थे और अब इनको अंदर रखूँगी। देखो दो दो क्लिप लगा रखी हैं मैंने। स्लीप लगाने का पता है क्या कारण है, यहाँ पे रात के टाइम इतनी तेज़ आंधी आती है, मतलब आती है, और अगर कपड़ों पे एक एक क्लिक हो ना तो फिर ये उड़ जाते हैं, चांसेस हैं उड़ने के। तो इसीलिए मैंने पूरा प्रबंध कर रखा था कि ये उड़े ना, सब पे दो दो क्लिप लगा के छोड़ रखी थी। और मैंने बाहर सुखा रखे हैं तो आंधी आनी ही नहीं थी, आंधी आई नहीं कल रात को। चलो ये भी अच्छा हो गया, बस सूख गए, इनको उतार देती हूँ। और मटका बाहर रखा था, मटका भी अंदर रख दिया है, बस अब फटाफट से झाड़ू पोछा करूँगी। तो भाई अभी हो चुका है मेरा खाना कंप्लीट और आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया और गर्मी इतनी हो रखी है ना। आ जाओ मैं तुम्हें फूल दिखाती हूँ कितने आज और भी ज़्यादा है ना, ये फूल डेली दिखाती हूँ तो इसे व्लॉग भी थोड़ा हरा भरा रहा है, इसीलिए व्लॉग भी थोड़ा हरा भरा रहा है। बस दरवाजे कर दिए हैं बंद, आज तो ना तो सुबह योगा हुआ और सुबह लेट भी उठी थी तो ना पूरे दिन से सुस्ती सी बनी हुई है। अभी बजे हैं 1 बज गया है अभी, तो अभी बस मैं थोड़ी देर और सोऊंगी। मेरे को ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है आज तो, पूरे दिन से सुस्ती बनी हुई है और गर्मी भी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। और आज मेरे को धोना है सिर, अभी नहीं दिन में धोऊंगी, दिन में मतलब थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके दोबारा से उठूंगी ना जब सिर धोऊंगी। और आज मैं सिर पे लगाने वाली हूँ प्याज का रस और तेल, बहुत अच्छा होता है। मैं ना आप सबको बताऊंगी कि प्याज का रस और तेल जो मैं लगाती हूँ, मतलब जो भी मैं अपने हेयर के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ यूज़ करती हूँ, जो भी मैं यूज़ करती हूँ ना वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, पक्का बताऊंगी। क्योंकि ना जो मैं यूज़ करती हूँ जिससे मेरे को फ़र्क पड़ा है ना, मैं सिर्फ वो ही चीज़ आपको बता सकती हूँ, वरना और चीज़ें मैं नहीं बता सकती जो मैं यूज़ नहीं करती। तो ये इससे प्याज का रस, बहुत सारे शैम्पू वगैरह भी आए हुए हैं, बहुतों से मैंने सुना भी है प्याज का रस ना बहुत अच्छा होता है सिर में लगाना, हेयर रीग्रोथ होती है और बाल झड़ने भी बंद हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि बाहर से मंगवाने से अच्छा तो अपना नेचुरल चीज़ यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं सिर्फ प्याज का रस और गोले का तेल और जैतून का तेल, ये चीज़ें सारी मिक्स करके सिर पे लगाऊंगी, सिर्फ आधा घंटा रखूंगी और फिर धोऊंगी। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और आप भी करके देखना और अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर करना, जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ना जिनसे मेरे को फ़र्क पड़ा है वो चीज़ें मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी टाइम टू टाइम। और आज मैं सिर धोऊंगी तो इसीलिए आज मैंने ये चीज़ शेयर कर दी है। चलो फिर अब मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, मेरे को आज बहुत सुस्ती सी चढ़ रही है, मिलते हैं बाद में, बाय। तो भाई मैं अभी उठ गई थी और आज तो बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी है, अदरक वाली चाय। बस चाय पीऊँगी और फिर धोऊँगी सिर। सिर का मैंने बताया था प्याज का रस, दो तेल मिक्स करके सिर धोऊँगी। और आप भी ट्राई करना और फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, मेरे को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा है। और चीज़ें जब यूज़ करूँगी तो और चीज़ें दिखाऊँगी। तो मैं पी लेती हूँ चाय, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है क्योंकि सुबह नहीं पीती ना, तो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, सुबह तो नहीं मन करता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए। तो अब पता नहीं क्यों सिर में दर्द हो रहा है, पहले तो सिर में दर्द नहीं हो रहा था। चलो मैं पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए ठंडी ठंडी खीर आ गई है, खीर को देख के मेरा आधा सिर का दर्द गायब हो गया है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और तब तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय।